अरे चचा केकरा गाड़ी होवे, हटा एकरा के। इसको यही गाड़ी पूरे रेड में थी, कोई बोल सकता है क्या बताओ? ओ विली मार रहा है भाई, स्कूटी वाला का सही है, कहीं भी छोटे से जगह में विली मार लेता है ये। अरे रे रे भाई, सो गाइस अभी देख रहे हो कुछ बच्चे मिलने आए हैं यहाँ पे, बहुत दूर से मिलने आए हैं, मेरे को लग रहा है बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे लग सुनील बच्चे को चढ़ा रहा है सो गाइस निकला जाए यहाँ से। ये है मेरी सवारी आज की, ये देखो। हे प्रभु, हे हरे राम जगन्नाथ स्वामी, ये क्या हुआ? आज अपन इसी में चलेंगे, तो चला जाए। और दिल आरक्ष भैया का बिग फैन लोग। तो लारेक्स भैया गौरव बोल रहा होगा साला, लोग अच्छा से प्रोनाउंस तो कर लो, कम से कम कोई एक चीज प्रोनाउंस कर लो, कम से या तो लाक्स बोल लो या लिरिक्स बोल लो, उसी से पूछना पड़ेगा क्या है उसको, वो एक्चुअल में क्या बोलवाना चाहता है सबसे। लहराते हुए चलो सांप जैसे हम चाबी देख आ रहे हैं गाइस, फुटेज देख रहे हो ना, क्या मस्त फुटेज आ रहा है, हमको पीछे मुड़ने का भी जरूरत नहीं है, बस आराम से मस्त सा फुटेज आ रहा है, क्योंकि मेरी गाड़ी तो है नहीं, तो आज हम बैकवर्ड से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उल्टा नहीं बैठे हैं, बस मेरा जो हेलमेट है ना वो उल्टा शूट कर रहा है, हेलमेट बोलते हैं, मेरा जो गोप्रो है ना वो उल्टा शूट कर रहा है। चलो आगे भी दिखाते हैं, भागने रे जल्दी भाग, कहाँ छमछिमाए, चलो थीस। अरे चचा केकरा गाड़ी होवे, हटा एकरा के। अब हम लोग चले रफ्तार में, चेचा भी लाइक। और गाइस हमारे साथ आ गया शशि, कल तो गाड़ी पूरा नंगा था, आज तो पूरा कपड़ा पहना के ले आया है, कल जमे नंगा था एकदम, ऐसा लगा था शशि बस चड्डी पहन के आया है। अरे भाई ये तबाही जी, थोड़ा रात में दिखाएंगे इसको ADRL को, अभी जल्दी से फ्यूल अप होगा उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे डोभाया। भाई साहब व्हाट अ व्यू, शंख नदी, यहाँ तो अक्सर छठ पूजा में इतना भीड़ उमड़ता है ना क्या ही बोलेंगे, बहुत ही खतरनाक भीड़ उमड़ता है। पब्लिक रिएक्शन, उड़ी बाबा ये ऊंट कहाँ से आ गया, ये देखो रामरेखा धाम का एंट्रांस भी इधर ही से, एक्चुअली जस्ट बगल में ही रामरेखा धाम पे। पब्लिक एंड किड्स रिएक्शन,
गाइस अपने को जाना है एक्चुअली वो पहाड़ के पीछे, क्योंकि वहीं पे है डुभाया डैम और उधर सामने देख रहे हो ना उस पहाड़ के ऊपर छोटा छोटा बिल्डिंग्स है। ओ क्यूट गर्ल रिएक्शंस। तो उस बिल्डिंग के भी उस पहाड़ के पीछे है ना डुभाया है और इस पहाड़ के ऊपर में ना रामरेखा धाम है। तो राम जी अपने जो भी वनवास काल में जो भी कुछ समय व्यतीत किए थे यहाँ पे, इसीलिए ये रामरेखा धाम भी है। बहुत ही अच्छा जगह है, अगर बहुत शाम नहीं होगा तो वहाँ ज़रूर जाएंगे, लेकिन पहले डुभाया जाना है, वहाँ हो आएंगे। अरे भाई अरे भाई अभी जितना ही शाम होते जा रहा है उतना ही हम लोग क्लोज होते जा रहे हैं इस पहाड़ के। और इतना सही व्यू है ना, हम ड्रोन शॉट दिखाएंगे, इतना सही व्यू है मतलब बोल नहीं सकते, इतना सही व्यू है यहाँ से। बाबू पानी देना दो बोतल। और टेढ़े मेढ़े दे देना, पांच पांच वाला, चार को दे दीजिए, कितना हो जाएगा? पानी कैसे है? और यहीं से हम लोग राइट लेंगे क्योंकि यहाँ से ही रास्ता है अपना डुभाया का, और इस पहाड़ के किनारे किनारे होते हुए एकदम पहाड़ के पीछे। भाई जब ड्रोन शॉट दिखाएंगे ना तब आँखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे ना तो मेरे को मोर भी दिखा था। इस बार ही मोर दिखेगा या नहीं दिखेगा इसका तो गारंटी नहीं है, बट लास्ट टाइम आए थे तो मोर मेरे को दिखा था। अब देखते हैं, वो बरसात में जनरली रहता है, अभी तो बरसात का टाइम भी नहीं है। रास्ता देख रहे हो भाई कितना संकीर्ण रास्ता है। पूरा का पूरा पत्थर ही पत्थर, हर जगह पत्थर पत्थर। वैसे अब सुपर बाइक भी नहीं आया अपना इस तरफ एक बार 900 में, कोई एक आध बार होगा नेक्स्ट टाइम तो हम अकेले आएंगे, या किसी को बोलेंगे कोई आएगा साथ में तो। ओह फाइश पहुँच ही गए ऑलमोस्ट हम लोग, बस बस इतना सा दूर, इतना ही दूर रह गया बस। ऐसा हम तभी से बोल रहे हैं बट पहुँच ही नहीं रहे। हो भाई सफोकेट हो जा रहे हैं हेलमेट के अंदर। पहाड़ में डाइट होना आडुम डुम अरे कहा डेट होना, कहा जादू टोना बेबी, पहाड़ में चलो ना। पहुंच गए फाइनली हम लोग भी। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी, अरे 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 आराम से भाई, वो डैम से तो लागू ना अच्छा मंदरिया डैम से। भाई जगह मस्त है ना, ही ठीक है, जल्दी जल्दी सूट। हाँ बहुत डूबल है, ये दिख रहा है नीमली पेड़ दिख रहा है वहाँ तक पानी जाता है पूरा, देख मेन पहले से ही है। हाँ मेन, हाँ अभी बना लो रील, अभी धूप आया है। सो गाइस फाइनली रैप अप हो गई है अपनी डेट होना, दिखाते हैं एक एक डिटेल। सबसे पहला ये टैंक है ना, ये पूरा टैंक ब्लैक है शाइनिंग पूरा, और सामने का जो ये पार्ट है ये देखो, ये जो काफ़ी जहर पार्ट लग रहा है ना, हम क्लोजली दिखाते हैं, ये देखो इस पर ना कार्बन किया हुआ है, कार्बन रैप्ड है। और साइड से जो लुक है ना वो
ये जो साइड फेंडर है ये पूरा शाइनिंग ब्लैक है, और ग्रे पार्ट को एज इट इज हमने छोड़ दिया क्योंकि उसको ग्रे पसंद था, तो ग्रे हमने छोड़ दिया। पीछे फ्रीकिंग फास्ट, सबको नहीं बताना क्या लिखा हुआ है, ये फ्रीकिंग फास्ट है भाई, गलत मीनिंग मत लेना। और स्टिकर दिखा देना, सॉरी स्टिकर से पहले ये देखो, ये पीछे का जो बैक टेल पैनल है ना, ये भी पूरा कार्बन रैप्ड है, ये वाला सेक्शन देखो। और थर्ड चीज ये वाला, ये जो मडगार्ड है ना इसका, ये भी पूरा कार्बन रैप कर दिया हम लोगों ने भाई। जो इसका ओवरऑल लुक आ रहा है ना भाई, वो पूरा गदर ढा रहा है। बाकी हम लोग ना आज तो भाई आए घूमने, मेरी बाइक हम लेकर नहीं आए क्योंकि उसमें थोड़ा सा पंचर हो गया था, पंचर भी हो गया है और प्लस थोड़ा सा क्लच अच्छा से काम नहीं कर रहा था, तो हम बोले कि पहले दिखा लेते हैं, तो भैया के पास छोड़ दिए हैं। और अभी जो है ना ये मस्त सीन दिख रहा है, देखो पीछे ये ना डुबाया, यहाँ पे ड्रोन शॉट लिए हैं बहुत सारा, वो दिखाएंगे हम आप लोगों को, ठीक है। अब हम बताते हैं इसमें स्टिकर्स क्या क्या लगे। देखो यहाँ पे ट्रायम्फ हमने एज इट इज छोड़ा जो लगा हुआ रहता है, यहाँ पे फ्रीकिंग फास्ट वंस अगेन, और यहाँ पे भाई का अपना बैजिंग लगा हुआ है, देखो इसका अपना बैजिंग लगा हुआ है, तो एक काफ़ी सही लुक दे रहा है भाई यहाँ पे, एकदम छोटा सा, उम्मीद नहीं था कि मशीन में इतना छोटा कटेगा, बट कटा इतना छोटा। तीसरा चीज़ ये ट्रायम्फ का लोगो एज इट इज़। चौथी चीज़ अपनी ये DRL बोल लो या छोटा सा लाइट बोल लो, वो पूरा रेड कर दिया हम लोगों ने। चौथी चीज़ ये रही अपनी स्टेसी, नामकरण दिया है हमने इसको, हमने इसको नहीं, भाई का नाम पहले से दिया हुआ है इसको स्टेसी। और यहाँ पे 675 की स्टिकर, क्योंकि बहुत ही सही लग रही है, कोई बोल सकता है इसको कि यही गाड़ी पूरे रेड में थी, कोई बोल सकता है क्या बताओ? बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है कि ये रेड पे थी, मतलब एकदम हम लोगों ने चेंज ही कर दिया। और ये देखो ये भी विली मार रहा है भाई, स्कूटी वाला का सही है, कहीं भी छोटे से जगह में विली मार लेता है ये। अरे 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 भाई, इधर बच्चे भी एंजॉय ले रहे हैं। चौथा स्टिकर इलेस्ट, अभी इलेस्ट का मतलब यही बताएगा गौरव, इलेस्ट का मतलब क्या है? इल मतलब तो बुखार है, नहीं है इलेस्ट मतलब बोलेंगे उसको, कैसे बोलेंगे नहीं पता यार, तुम लोग सर्च कर लेना अपना मुंह से समझाओ, गूगल में सर्च कर लेना, छोड़ो हमको भी नहीं पता। एरोप्लेन कहाँ लाया है तुम? और देखो चौथा चीज स्टिकर है विल लूज, डेफिनेटली विल लूज, इस कैटेगरी में इससे जरूर हार जाएगा भाई कोई भी बाइक रहे। पांचवी चीज ये देखो क्या लिखा हुआ है, ईट माई डस्ट, और ये जो डस्ट है ना ये कौन देता है? ये भाई साहब, ये जो चौड़े चौड़े टायर है ना ये देते हैं डस्ट, और बाकी स्टिकर इतना ही लगा है। देख रहे हो गाइस छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ नाम है क्या भैया तोर? निर्मला। आरतोर रे? आलमा। आरतोर रे भैया? असियाना। एक कैसा है कहता तीनों? अरुकर छोटका भैया कर अंजला, कौन स्कूल पढ़ाल? लेटा बेटा, क्या उड़ाबे हाथ कटाई जाई, मैं उड़ाया था तलक देख बने का लखे उड़ल मिठू खावे। अच्छा रुक 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 रुक, मैं दे तो चुप के केक को दे, ठीक है नहीं ले बा। ओके दे दे ले, देखो तो ले, अरे हाँ तो कटाई जाएगा, ढेर चोखा है, हाँ ऊपर है उड़न देखवाने। अरे कोनो नहीं भाई रे, कहाँ भागो था तोरे चुका है। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अपना फेस ज्यादा नहीं दिखाए आज, बस
सीन से दिखाएंगे, क्योंकि भाई मेरा फेस कितनी बार देखोगे यार, जो सीन है एक्चुअल ब्यूटी है वो। अभी ये साइकिल हम चलाए हैं, बड़ा मज़ा आया भाई। और ये भाई बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, और ये बरसात के टाइम और बढ़िया हो जाता है। मेरा सिनेमैटिक थोड़ा काम नहीं कर रहा कभी कभी, बट बिलीव मी गाइस ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है। अभी यहाँ जितना भी शूटिंग वूटिंग है ना, हम लोग सारा ख़त्म कर लिए हैं, और हम लोग अब नन्हे मुन्ने बच्चों को भी छोड़ कर जाएंगे। हरा रही करे तो गाइस इन लोगों को छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ से निकलेंगे अब। चलो चला जाए, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड सी यू सभी को जोहार।